हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दर इंस्टीट्यूट चैनल में। आप सभी कैसे होंगे बच्चे? अच्छे होंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहे, बिल्कुल ठीक है। और पढ़ाई के साथ साथ ही आप अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। तो चलिए बच्चों, कल हम लोग एक्सरसाइज 3 पॉइंट को सॉल्व कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, एक्सरसाइज 3.2 के, ठीक है। कल हमने 13 तक डिस्कस कर लिया था, 14 बहुत आसान है, बस मल्टीप्लीकेशन करके आपको वेरीफाई करना है, आप बुक में देखेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, उसके बाद हम लोग 15 करेंगे। और 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे समझिएगा, क्यों? क्योंकि 15 के बाद जैसे हम लोग करेंगे तो आप देखेंगे बुक में 15 में तो क्वेश्चन नंबर आपका 16, 17 बिल्कुल इसी तरीके से लगेंगे। तो मैं 15 बता रहा हूँ, 16, 17 आप खुद से करेंगे, ठीक है। एनी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो आइए सीखते हैं 15 नंबर, बहुत अच्छे से सीखिएगा। तो बच्चों देखो, 15 नंबर में बोल रखा है इसने कि ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, बोला आप फाइंड आउट करो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i क्या होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। तो आपको पता है ए स्क्वायर कैसे निकालना है हमें। ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर निकालने के लिए इसमें करते क्या है कि ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर कर दिया हमने सभी नंबर्स का, सभी एलिमेंट का, ऐसा नहीं करते कभी भी। जब भी इसका स्क्वायर निकालना होता है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे मैट्रिक्स ए इंटू ए, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने लिखा 201, 213, 1-1, 0, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वही चीज़ 201, 213, 1-1, 0, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए बच्चों मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, अब आप लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट हो चुके हो, तो हम लोग डायरेक्टली थोड़ा सा करते हैं। देखिए इस पहले रो को उठाइए, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अब इसी को लोगे अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 0 0 0 और -1, तो डायरेक्टली यहां पे क्या लिख दूं मैं, -1। अब फिर इसी का करोगे तीसरे कॉलम में, तो 2 1 जा 2 0 0, तो केवल कितना आ गया 2। अब इसके बाद हम लोग किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, तो मैं डायरेक्टली एडअप करके लिखूंगा 2 2 जा 4 2 1 2 2 जा 4 2 1 जा 2 4 2 6 3 1 जा 3 6 3 9, ठीक है। इसके बाद इसी सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 2 0 1 -3, 1 में से 3 गया कितना होगा बच्चों, -2। फिर इसी का थर्ड कॉलम में, तो 2 1 जा 2 3 1 जा 3 3 2 5 5 हो गया बच्चों। अब आते हैं तीसरे रो में, तीसरे रो को उठाओगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2 -2 0 0, तो यहां 0 आ गया। अब फिर इसी को करोगे सेकंड कॉलम में, तो 0 -1 0, तो यहां केवल -1 आएगा। फिर इसी का तीसरे कॉलम में 1 1 जा 1 -3, तो 1 -3 -2, ये आया बच्चों आपका कितना ए स्क्वायर आया, कितना आया बच्चों ए स्क्वायर, ठीक है। जब आपको ए स्क्वायर मिल गया तो चलिए, और ए तो आपको पहले से ही पता है, और आई क्या है बच्चे, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप क्या करोगे, यहां पर देखो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 ऑर्डर का। तो आप जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखोगे वो भी कितने ऑर्डर की होगी, 3x3 की। तो आइए चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं आंसर। देखिए तो यहां पे हम रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है इतनी, तो कैलकुलेशन बच्चों बहुत संभाल के करिएगा, प्लस माइनस में हल्की सी गड़बड़ी आपको गलत आंसर की तरफ ले जाएगी। तो देखिए 5 9 0 -1 -2 1, उसके बाद 2 5 -2, फिर -5 है, तो 5 into a, a जो दिया है इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 2 0 1, ठीक है। और क्या लिख दूंगा मैं 2 1 2 1 3 1 -1 0। फिर मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चों, यहां पर देखिएगा, फिर मैं यहां पे लिखने वाला हूं +6i, तो +6 into i, i मतलब 3x3 का 1 0, यहां पे दिख रहा है बच्चों, हाँ ठीक है 1 0 1 0 0 0 1
सॉरी ये 010 और फिर 001, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब करना क्या है, देखिए इसका 5 का पूरे एलिमेंट में इसका 6 का पूरे एलिमेंट मल्टीप्लाई करिए आप, तो देखिए क्या मिलने वाला है, ये एज इट इज 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई तो 5 2 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ठीक है, और यहां पे 6 के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए, इसको इससे माइनस करिए, कितना आएगा, 5 में से 10 गया -5, 1 में से -1, अब यहां पे देखिए 5 में से 2 में से 5 गया -3, 9 में से 10 गया -1, इसमें से ये जाएगा -7, इसमें से 15 गया, 5 में से 15 कितना होगा बच्चों, -10, इसमें से जाएगा -5, ये इसमें से जाएगा प्लस 1 + 5 कितना होगा 4, और 2 -2 आ जाएगा, फिर प्लस कितना है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है, ये चीज हो गई बच्चों। अब देखिए क्या होने वाला है, इन दोनों को एड अप कर दीजिए, प्लस करोगे बच्चों यहां आएगा क्या 1 -5 + 6 1 होता है, माइनस यहां पे आएगा -1 -3, यहां आएगा -1 + 6 से -7 + 6 -1 -10, फिर इसको करोगे बच्चों -5 4 -2 + 6 4, ये रहा बच्चों आपका आंसर, ठीक है, किसका आंसर है बच्चों, ये आंसर है a² - 5a + 6i का, ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझ में आया, तो इस तरीके से करते हैं हम लोग, 15 नंबर हमने ऐसे किया, बिल्कुल 16-17 इसी तरीके से होने हैं, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर लोग आगे बढ़ते हैं 18 की तरफ, तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या बोल रहा है, समझ लेते हैं, देखिए बच्चों 18 आपसे बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू इतना एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2 सो दैट दिस मच इक्वल टू दिस मच, तो आइए लिख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो देखिए बच्चों यहां पर जो आपसे गिवन है वो बोल रहा है ए की वैल्यू दे रखा है, कितनी है 0 - tan α/2, ठीक है, उसके बाद यहां दे रखा है tan α/2, फिर यहां क्या दे रखा है 0, एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आप क्वेश्चन में ही रख लेंगे आपको पता है 2×2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या क्या होती है, फिर बोलना है देन शो दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, i + a इज इक्वल टू i - a, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या cos α - sin α, यहां पर ज्यादा आगे चला जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसको और पीछे से लिख देता हूं क्योंकि आई विल डिवाइड दिस वाइट बोर्ड इंटू टू पार्ट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये तो आपको टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, i + a इज इक्वल टू i - a इन ब्रैकेट cos α - sin α, फिर sin α, फिर क्या लिखोगे cos α। चलिए देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपसे गिवन, आपको गिवन है और आपको यही प्रूव करना है, देखिए i + a इज इक्वल टू i - a, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आपको शो करना है, प्रूव करना है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, किसमें लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या आता है, तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, i + a इट मीन्स आपको क्या लिखना है, i मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स
टू क्रॉस टू के ऑर्डर की, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है ए वो भी कितने कितने ऑर्डर की है, टू क्रॉस टू के ऑर्डर की है। ठीक है, देखो बच्चों, प्लस जीरो माइनस टेन अल्फा अपॉन टू, टेन अल्फा अपॉन टू जीरो। अब एड अप करो बच्चों, तो वन प्लस जीरो वन, सॉरी वन प्लस जीरो, हाँ वन, और जीरो प्लस तो यही माइनस टेन अल्फा अपॉन टू, और यहां पे वन के साथ एड एड करोगे तो वन प्लस टेन अल्फा अपॉन टू, ठीक है, और जीरो के साथ जीरो ऐड करो कितना आएगा जीरो। ये आया बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वन का जीरो में करोगे वन, जीरो प्लस ये करोगे तो ये आएगा, वन में ये ऐड करोगे इतना आएगा ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, क्यों ना हम यहां पर देखो आगे जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है, तो लेंदी जाएगा, तो लेंदी से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर कुछ कुछ लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि लेट tan अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू टी, हमने लेट कर लिया कि tan अल्फा की वैल्यू कितनी है टी। तो अब ये छोटा सा बन गया, कितना बन गया आपका देखिए, वन माइनस टी, वन प्लस टी और जीरो। देखिए ये आपका क्या है बच्चों, LHS है, आई प्लस ए की वैल्यू, आई प्लस ए की वैल्यू है LHS, ठीक है। तो आपको यही प्रूव करना है। अब देखिए LHS तो इतनी वैल्यू आ गई, अब आपको सॉल्व राइट हैंड साइड लेके चलना है और सॉल्व करके इसको इस LHS के इक्वल शो करना है। तो आइए देखते हैं, यहां पर मैं लिखने वाला हूं अब राइट हैंड साइड को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो देखिए क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड में RHS, राइट हैंड साइड, और आप देख रहे हो बच्चों आई माइनस ए है, तो आई माइनस ए करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही रहेगी, ठीक है। तो मैं यहीं से डायरेक्टली करके आपको दिखा दे रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह की कमी पड़ जाएगी। देखो आई माइनस ए करोगे तो इसको बस यहां माइनस लिख दो, तो वन में से जीरो गया, वन ही आएगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं वन अब जीरो में से ये जाएगा तो यहां क्या बचेगा टेन अल्फा। अब बच्चों देखो टेन अल्फा तो बचेगा अल्फा बाई टू, तो इसको हमने क्या मान रखा है टी, तो यहां पे डायरेक्टली आप लिखो टी। इसके बाद देखिए वन को इसके साथ माइनस करोगे तो वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो टेन अल्फा बाई टू को हमने क्या लेट कर रखा है टी, यहां देखिए टी लेट कर रखा है ना, तो वहां लिखेंगे टी, तो वन माइनस टी। उसके बाद इसको इससे माइनस करोगे तो जीरो आ गया आई माइनस ए, और यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा। अच्छा देखिए बच्चों कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब एक काम करना है आपको, इतना जब हमने लिख दिया तो देखिए यहां पर कॉस अल्फा को हम टेन अल्फा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान रखना है टी आया है, ठीक है, और टी क्या है टेन अल्फा बाई टू, इसका मतलब वहां भी टी इसमें भी टी आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसको टी कैसे लाएंगे, तो जितने कॉस और साइन लिखे हैं सबका फॉर्मूला टेन में होता है। याद करिए कि कॉस टू अल्फा के तीन फॉर्मूले हो, चार फॉर्मूले होते थे, तो जो चौथा फॉर्मूला होता था वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये होता है, तो वी यहां रखेंगे। और साइन अल्फा का साइन टू थीटा, याद करिए क्या फॉर्मूला था टेन में, फॉर्मूला होता था टेन में टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यही पे रखेंगे। तो देखिए हम लोग यहां पे लिख देते हैं इज इक्वल टू वन टी वन माइनस टी जीरो, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मैं फॉर्मूला तो लिखूंगा तो लेकिन वहां पे मैं टी लिखता चलूंगा। देखिए यहां पे हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, ठीक है। बच्चों अल्फा अपॉन टू क्यों कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कॉस टू थीटा का केवल थीटा होता था, यहां पे अल्फा है तो अल्फा बाई टू हो गया, ठीक है। और साइन का मैं लिख दूंगा यहां पे टू टेन अल्फा अपॉन टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, ठीक है। और इसका क्या बनेगा साइन का, यही चीज बस माइनस के साथ, तो माइनस टू टेन अल्फा अपॉन टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर
अल्फा अपॉन टू, और कॉस अल्फा का यही बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू। ये देखिए हमने लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या है आपको, सीधी सी बात है, टेन टेन अल्फा बाई टू की जगह क्या लिखोगे टी, तो देखो क्या बनेगा 1 t 1 माइनस t 0। अब यहां पे t रखो 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। यहां क्या बनेगा बच्चों, -2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। यहां क्या बनेगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। यहां क्या बनेगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ये देखिए बच्चों बन गया हमारा। अब देखिए सीधी सी बात है, सभी बच्चों को ये फॉर्मूला पता चला ना कैसे आया, कि मैं समझा दूं यहां पर, तो देखो समझा दे रहा हूं यहां पर कैसे है। जैसे cos 2 थीटा लिखते थे तो चौथा फॉर्मूला क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अगर यहां पर 2 थीटा नहीं है, क्या है, केवल थीटा है, अल्फा एंगल ही है, तो हम केवल 2 थीटा ले लेंगे। देखो बच्चों एंगल हाफ कर दिया हमने, तो इसका भी एंगल हाफ, अभी 1 है तो हाफ मतलब थीटा बाई 2, और यही थीटा की जगह क्या लिख दूं मैं अल्फा लिख दूं, तो यहां भी क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2, यहां भी क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन 2। समझ आया कैसे आया cos अल्फा की वैल्यू इतनी, समझ गए ना। इसी तरीके से साइन वाले में भी हुआ है, क्लियर है, तो देख लीजिए आप इस बात को। इसके बाद बच्चों अब हमारा काम होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, क्लियर है। ये देखो बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप बच्चों मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। देखिए क्योंकि अब t के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या, फंक्शन हमारा जो मैट्रिक्स है पूरा t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो जब t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तभी भी हमारा आंसर t के फॉर्म में आएगा, क्लियर है ना। अब मल्टीप्लाई करना सबको आता है, ठीक। तो आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बता दीजिए, जो मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहां डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई करना आपको आ चुका है, 1 माइनस t 1 प्लस t और 0। ये रहा आपका जो कि किसके इक्वल है, RHS के। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से काम करना है, ठीक है। मेन बात थी इस क्वेश्चन में समझने वाली, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, कि आपको कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो हमने बता दिया आपको, शुरुआत में अगर आपने सही रास्ता पकड़ लिया तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है। बस एक स्टेप बचा है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, बस आपको यही समझना मेन था कि कैसे इसको यहां पे ब्रेक करें, ये चीज, ठीक है। जब आप ये समझ गए तो काम बन गया। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 समझ लीजिए, और 19 बहुत अच्छे समझिएगा क्योंकि जैसे आप 19 समझोगे आप क्वेश्चन नंबर 20 भी उसी तरीके से है। आप देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो जस्ट आप बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है 19-20 एक ही तरह है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको समझना है बस, ठीक है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 19 नंबर क्या बोल रहा है, बहुत आसान है, समझ लीजिए। अ ट्रस्ट हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मतलब एक ट्रस्ट है, उसके पास 30,000 रुपए हैं और वो ट्रस्ट अपने 30,000 रुपए को दो प्रकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, 30,000 रुपए को, ठीक है, लगाना चाहता है। तो बोल रहा है उसको द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। तो इसमें बोला है कि जो पहला बॉन्ड है वो 5% उसको इंटरेस्ट दे रहा है, एंड सेकंड बॉन्ड पे 7%, और जो दूसरा बॉन्ड है उसको 7% का इंटरेस्ट दे रहा है। फिर बोल रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बोल रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके आप बताइए कि उस 30,000 को वो किस प्रकार से दोनों बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, इन्वेस्ट करें,
इफ द ट्रस्ट फंड ऑफ टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, अगर ट्रस्ट को एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, इसमें दो है, ए की वैल्यू दे रखी है 1800 रुपए और दूसरी है 2000 रुपए, ठीक है, 1800 और 2000, ठीक है। तो आपको ए वाला मैं बताऊंगा, 1800 जैसे करोगे वैसे 2000 वाला ही होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन ओवरऑल ये बोल रहा है कि एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपए है, वो उसको दो प्रकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, लेट ट्रस्ट शुड इन्वेस्ट एक्स रुपीज इन फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। हमने मान लिया कि ट्रस्ट को एक्स रुपए फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, एंड ट्रस्ट शुड इन्वेस्ट, अच्छा ये बताओ जब एक्स 30,000 में से मैंने एक्स रुपए दे दिया है पहले ट्रस्ट को, तो हमारे पास बचा कितना, 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस एक्स रुपीज इन सेकेंड बॉन्ड। अब जाहिर सी बात है, जब हमने, मेरे पास सपोज है 10 रुपए हैं, मैंने 8 रुपए किसी को दे दिए, तो मेरे पास बचे कितने, 2 रुपए, कैसे पता चला, 10 में से मैंने 8 रुपए माइनस कर दिया। उसी तरीके से अगर मेरे पास 30,000 रुपए हैं, मैंने उसमें से एक्स रुपए किसी पहले बॉन्ड में दे दिया, तो दूसरे बॉन्ड में मैं कितना दूंगा, जितना बचा होगा, बचा कितना होगा, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है बच्चों उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, बोला था ना कि किस तरीके से इन्वेस्ट करें। तो ए के लिए देखो बच्चों, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ए के लिए, तो इसको हमेशा जितना रुपए इन्वेस्ट कर रहा है बच्चों, यहां पहले लिखो एक्स 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, इसको रो मैट्रिक्स में लिखेंगे, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स में कितना परसेंट उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 5%, यानी कि 5/100, और 7% इट मीन 7/100, और उसको टोटल एनुअल इनकम इन दोनों का कितना मिल जा रहा है, 1800 रुपए, ठीक है। तो बताओ कि उसको पहले बॉन्ड में कितना निवेश करना चाहिए, या कितना उसने निवेश किया, इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो पता चलेगा आसानी से। और बी वाला देखो बच्चों, समझ लीजिए, बी वाले में सेम टू सेम आप यही चीज लिखोगे, बस यहां क्या कर दोगे, 2000, क्लियर है। तो समझ लीजिए इसको, अब मल्टीप्लाई करिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5x/100 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 7/30,000 माइनस एक्स अपॉन 100, ठीक है, ये चीज आ गई, और मुझे कितना मिल गया यहां पे, 1800 रुपीज, क्लियर है बात। तो अब देखिए फटाफट देख लीजिए बच्चों, तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करिए, तो 5x प्लस 7 3 21, 2,10,000 माइनस 7x अपॉन 100, यहां भी अपॉन में 100 इक्वल्स टू 1800। देखो बच्चों एलसीएम लोगे तो 100 जाएगा उधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज एडअप हो जाएगी, तो 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 1800 इनटू 100। एलसीएम लोगे बच्चों नीचे 100 का जब डिवाइड में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 में से, अब देखिए 5 में से 2 7x क्या माइनस 2x, अब देखिए प्लस 2,10,000 इज इक्वल्स टू, यहां पे बच्चों कितना हो जाएगा, 1,80,000, ठीक है। अब देखिए इसको मैं लेफ्ट साइड ला रहा हूं, इसको राइट हैंड साइड भेज रहा हूं, तो 2,10,000 में से 1,80,000 जाएगा, यानी 2,010,000 माइनस 1,80,000 हो जाएगा, और जाएगा उधर 2x, तो कितना होगा बच्चों यहां पे, 30,000 बचेगा ना, 2,10,000 में से 1,80,000 घटाओ कितना होगा, 30,000 इज इक्वल टू 2x, 2 से कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 15,000 में, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, दिख रहा है ये, ठीक है दिख रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000 रुपीज, यानी बच्चों x क्या था, वो देखिए फर्स्ट बॉन्ड में जितना इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 15,000, तो जरा बताइए इन सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा,
इज इक्वल टू 30,000 माइनस एक्स है, तो 30,000 में से एक्स यानी कि 15,000 माइनस कर दीजिए, कितना आया 15,000 रुपए आंसर। ठीक है, यानी उसको अगर वो फर्स्ट बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्ट करेगा, सेकंड में भी 15,000 इन्वेस्ट करेगा, तो इस रेट से उसको 1,800 रुपए मिल जाएंगे वन ईयर में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है 19 नंबर। अब देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, सब लोग अच्छे समझ लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैं यहां पे हिंट दे देता हूं। देखिए सीधी सी बात है 20 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो आज एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाएगी, फिर हम लोग कल आगे मूव कर जाएंगे। देखिए 20 नंबर में कुछ नहीं है, बोला है अ बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। उसके बाद बच्चों 10 डजन क्या है, केमिस्ट्री बुक है, 8 डजन फिजिक्स बुक और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक बुक का प्राइस दे रखा है, डजन का नहीं, एक बुक का प्राइस है। तो बोला है फाइंड टोटल अमाउंट बुक्स ऑफ, यानी कि बोला है कि फाइंड, यानी कि आप अगर वो बुक सेलर सारी बुक्स को बेच दे तो उसको कितना रुपए मिलेगा बुक्स को बेचने के बाद। तो देखिए बच्चों कुछ नहीं है इसमें, सीधी सी बात है, जब बुक सेलिंग की बात आए तो जो थिंग्स होती हैं उसको रो कॉलम में लिखिए। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां पर 10 डजन केमिस्ट्री बुक, फिर क्या है बच्चों 8 डजन फिजिक्स की बुक है, और क्या है 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है। अगेन कितने रुपीज है, अब आप ध्यान दीजिएगा 80 रुपए इसका है, 60 रुपए इसका है, 40 रुपए इसका है, तो उसको कितना रुपए मिलेगा। तो मैं जाने डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं इसका। अब देखिए बच्चों ये तो डजन में है 10 दर्जन, अब आपको पता है कि डजन को कन्वर्ट करना है एक बुक में, तो सिंगल बुक में कन्वर्ट करने के लिए एक डजन में 12 थिंग्स होती हैं, वन डजन में, तो 12 से सब में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां कितना हो जाएगा बच्चों 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120, 96, 120, अब यहां क्या हो जाएगा 80, 60, 40, अब कुछ नहीं करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए इसका इसके साथ 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, अब मल्टीप्लाई करके एड अप कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना उसको रुपए मिला। समझ गए, यही था 20 नंबर, क्लियर है बात। अब आप देख रहे हैं 21, 22 ऑप्शनल है, ये आप खुद से कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हुई, कल हम लोग मिलते हैं, कल अलग से एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके बच्चों, थैंक यू।